हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना काल के बाद खट्टर सरकार पर आक्रामक मूड में आ गए हैं, जिसके चलते वो प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने 10 अक्टूबर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में बीजेपी जेजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर करनाल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना है। विपक्ष जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द और समस्याओं को सुनेगा और उनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगा। कांग्रेस पार्टी अकेला इकलौता विपक्षी दल है, बाकी जो है विभिन्न पार्टी से है या इंडिपेंडेंट है, वो तो सब सरकार के समर्थन में है और कोई विधायक है नहीं, एक था वो इस्तीफा दे गया। विपक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी है, तो अपने जिम्मेवारी निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा पूरे हरियाणा में। उसकी मैं आपको तारीख और बाद में बता दूंगा आपका, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी पे खर्चा बढ़ रहा है, अखबार में मैंने पढ़ा था 2,000 रुपया प्रति माह रसोई खर्च बढ़ गया गरीब आदमी का, तो इस प्रकार से डीजल का है, हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है इस प्रकार, और किसान की तो बदहाली हुई हुई है, किसान और मजदूर की, तो मजदूरों का तो यहाँ तक है कि जो मनरेगा के 3 लाख के करीब मजदूर हैं जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, उनको 2 महीने के पेमेंट ही नहीं हुई, जबकि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उनकी मजदूरी चली जानी चाहिए थी, 80 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। इसी प्रकार से किसान का नारायणगढ़ मिल का, शुगर मिल का, जो कि बंद कर दी इन्होंने, 105 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। बता दे कि चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यही फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज हरियाणा विधानसभा में इकलौती विपक्षी पार्टी है, जबकि बाकी दल या तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं या फिर विधानसभा में उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के बीच जाए और उसकी आवाज बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।